हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज मैं वीडियो डालने वाली हूँ, सूटों की वीडियो, क्योंकि तो एक मेरी फ्रेंड है यहाँ पे जो सूटों के काम करते हैं। तो फ्रेंड ही नहीं, वो मेरी छोटी सिस्टर मानो आप, काफ़ी प्रेम है मेरा उनके साथ। तो मैं उनके पास गई थी, सूटों की मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं देखने के लिए चली गई और काफ़ी अच्छा स्टॉक था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब ऑर्डर आते हैं उनके पास, वो भेजते हैं दूर दूर तक, तो अच्छे लगे तो मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको, क्योंकि ज़्यादा अच्छे सूट थे हैवी वाले, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब उनके डिज़ाइन लीक हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे तो। पर सूट उनके पास काफ़ी अच्छे थे, अगर कभी आप मिल के देखोगे या वो तो। और बाकी मेरे पास कल कॉमेंट आया था एक कि आपके स्लैब जो किचन की स्लैब है वो वाइट है, तो हल्दी के कोई निशान या कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? तो मैं तो काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ, आज तक मैंने हल्दी नहीं गिरने दिया उस पर, तो ऐसे तो मुझे नहीं पता चलता कि निशान होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हाँ सुंदर लगता है। और बाकी ऐसे अतुल के पापा कुछ ज़्यादा ही नॉलेज रखते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि ब्लैक और ग्रीन स्लैब नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने ब्लैक नहीं लगानी थी तो वाइट लगा ली, और अच्छी भी लगती है लेकिन साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मैं नीचे बिछा के रखती हूँ चीज़ें, जैसे मेट है या कुछ भी लगा के रखती हूँ। और एक जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बोला था कि आप मेहंदी की वीडियो मतलब हमारे साथ शेयर करें, तो वो मैंने कर दी थी पहले ही, आप पीछे जाके देखिएगा तो मैंने डाली है वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी डाली है। यहाँ का रूटीन वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी गंगानगर का, जयपुर का तो मैंने डाला था, उन्होंने बोला था कि आप घर में कैसे काम करते हो और वो भी रूटीन शेयर कीजिएगा, तो मैं करूँगी। अभी मैं मेरे पास मतलब दिन कम ही बचे, एक दो दिन है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डालूँ। तो आगे आप देखिएगा वीडियो, सूटों की वीडियो काफ़ी बड़ी है, तो दो वीडियो में मैं उनको शेयर करूँगी आपके साथ, और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। थैंक यू। लो जी, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सूट, सूट है ये हैंड वर्क का जो ऑर्डर पे के तैयार हुआ हुआ था इनके पास, और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का सूट जो हैंड वर्क में काफ़ी अच्छा है, और ये बीजीएमई वर्क का है जो सेमी जॉर्जेट पे तैयार हुए हैं, काफ़ी कलर अच्छे हैं और सफाई भी बहुत अच्छी है वर्क की, ये पिटन में तैयार हुए हैं, और ऑफ वाइट वाला तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइट कलर मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। वैसे सूट का सभी बहुत अच्छे थे, ये थे जैसे पेंटिंग वाले जो जयपुरी पेंटिंग वाले होते हैं, दुपट्टे सहित जो मुझे सुंदर लगे, चार पाँच कलर थे इसमें, और ये आरी वर्क में सूट जैसे कोई स्टॉक में इकट्ठा मतलब उठाना चाहे तो इनकी रेंज बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि 900 में दुपट्टे सहित सूट मिल रहे थे, तो आजकल 900 में तो कुछ नहीं आता है, तो सूट मुझे बहुत प्यारे और अच्छे लगे। वैसे आप अपनी पसंद से भी यहाँ पे तैयार करवा सकते हो, अगर कोई डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आता है तो उसी में अगर आप तैयार करवाना चाहो तो करवा सकते हो, और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट और अच्छा, जैसे सेमी जॉर्जेट कई बार कई बोलते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इनकी वाली जॉर्जेट बहुत अच्छी थी, सफाई थी इसके अंदर, और प्योर में भी सूट इनके पास बहुत अच्छे थे जो प्योर जॉर्जेट में या प्योर करेप में, लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बना के लाई क्योंकि ये बोलते हैं डिज़ाइन लीक हो जाते हैं। ये है जैसे सेमी जॉर्जेट पे हैंडवर्क के सूट जो 1300 रुपये में दुपट्टे सहित थे, तो इनकी भी रेंज काफ़ी कम लगी और मुझे सूट बहुत प्यारे लगे, हर तरह के सूट इनमें थे, हर डिज़ाइन जो आप अगर इसमें भी अगर आप अपने पसंद से कुछ करवाना चाहो तो करवा सकते हो, क्योंकि इनका एक वो भी मुझे मतलब अच्छा लगा कि ऐसे अगर तैयार सूट अगर टाइम पे कर सकते हैं तो बोल देते हैं हाँ इतने दिनों में तैयार हो जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये मना भी कर देते हैं, तो ये भी चीज़ इनकी अच्छी है। कई बार सूट कई ऑर्डर पे ले लेते हैं और फिर मतलब बार बार फ़ोन करो तो भी ऐसे सूट तैयार अपने नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, और ये सूट कितना प्यारा लगता है लग रहा है क्योंकि कई बार कलर से भी सूट अच्छा लगता है, और इनके पास राजपूती पोशाक भी बहुत प्यारी थी तैयार हुई हुई, और रेंज भी काफ़ी कम थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कई बार मैं जयपुर में पोशाक देखने जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, लेने जाती हूँ तो वहाँ 10,000 से कम आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इनके पास ये नया डिज़ाइन और सुंदर कपड़ा, अगर कोई अगर आप आके देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि वीडियो तो अपन नहीं बना सकते उसकी, तो ये सभी सूट 1300 की रेंज में जो हैंडवर्क वाले दिख रहे हैं, दुपट्टे सहित अगर 1300 में सूट आ रहा हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छे सूट है ये, क्योंकि 1300 में हैंडवर्क तो नहीं होता है आजकल जयपुर में, तो नहीं होता है मुझे ये लगता है, और ये सभी सूट बहुत प्यारे थे, कई बार कलर से भी सूट अच्छे लगते हैं। अभी नवरात्रों में इनके पास जैसे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे तो इन्होंने काफ़ी सूट इकट्ठे मतलब तैयार करवा के रख रखे हैं, अगर कोई देखना चाहे आके तो देख सकता है, क्योंकि फिर जैसे इतनी शादियाँ होती है तो सूट मतलब
काफ़ी ये कोरियर करवाते हैं इधर उधर। और ये था जैसे पिटन वर्क और बीजे में मिक्स वर्क वाला गोल्डन वाला, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं अलग रखवा के आई हूँ इसको। हैवी दुपट्टा है और सूट में भी वर्क काफ़ी अच्छा है और कपड़ा भी अच्छा है, तो ये सूट मुझे बहुत सुंदर लगा। और इसी में कलर बहुत सारे थे, और बीजे में या गोटा पत्ती में ये सूट ऐसे होते हैं कि आप मतलब ये सदा बाहर रहते हैं, ये आउट ऑफ फैशन नहीं होता है कभी भी। कितना हैवी दुपट्टा है, अगर दुपट्टा अपन सूट पहने थे उस पर भी पहन सकते हैं, अगर अलग से भी कुछ इस पे दुपट्टे पे बनवाना चाहे तो भी ये दुपट्टा जैसे कभी मतलब कभी भी इसको यूज कर सकते हो आप, क्योंकि सूट से मन भर जाता है कई बार, लेकिन दुपट्टा तो काम आता ही रहता है। इसमें ये कलर है सभी बहुत प्यारे कलर है सभी सूटों के। और ये था एक ओढ़ने में वर्क किया हुआ जिसकी भी मैंने वीडियो बना ली। और ये थे मुकेश में सूट जो इनके पास बाहर से ही होके आते हैं, लेकिन सूट बहुत सुंदर थे, प्योर में थे ये सूट, इनमें चार पांच ही कलर बचे थे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सूट आपको कैसे लगे, और आगे मैं सूटों पर वीडियो और बनूँ।